देखो, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से समझना इस पूरे चैप्टर में अब आगे क्या चलेगा। एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे और देखेंगे कि उसका पाथ फॉलोड कैसा है, पैराबोला है, सर्कल है, किस टाइप से वो मूव करता है। तो अलग अलग केसेस हैं। जैसे पहला केस, ये मैं आपको बता रहा हूं कि चैप्टर के शॉर्टकट्स हैं, इसका प्रूफ बुकलेट के थ्रू अभी हम करेंगे। जैसे पहला रिजल्ट आज हम करेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है एक ट्रांसवर्स, लिख लेना ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसवर्स मीन्स परपेंडिकुलर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और यहां लिख लेना ई वेक्टर, ये एरो का मतलब है यहां पर ई वेक्टर, लिख लेना ई वेक्टर। तो एक चार्ज पार्टिकल क्यू वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर से एंटर करता है एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वी वेक्टर में, तो हम आज स्टडी करेंगे इसका जो पाथ होगा वो पैराबोला होगा। तो ये पैराबोलिक पाथ जो है मूव करना शुरू करेगा। ऐसा क्यों, इसका प्रूफ मैं अभी आपको करवाऊंगा। तो इसकी ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक मानी जाएगी, ये पहला रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। लेकिन अगर मैंने क्या यूज किया, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, तो अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर यूज किया, तो आज हमने डिस्कस किया कि अगर वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ये कैसे स्टार्ट करेगा मूव करना इन अ सर्कल। क्लियर है यहां तक? तो इस केस में इट स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल। तो ऐसा क्यों हुआ, कुछ हिंट तो मैंने आपको आज दिया, इसका मैथमेटिकल वर्जन अभी हम करेंगे फ्रॉम बुकलेट। तो ये सेकेंड रिजल्ट है, मतलब आप ये नोट कर रहे होंगे कि हम सिर्फ ट्रेजेक्टरी ही देखते जा रहे हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोशन का मतलब वो पाथ क्या और ट्रेजेक्टरी क्या फॉलो करेगा, कोई डाउट इसमें? जैसे अगर मैं केस नंबर थ्री लू, तो हम बुकलेट के अंदर ये भी करेंगे कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर और वी वेक्टर में एंगल थीटा 90 नहीं है, अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री एंगल बनाए बी के साथ, तो इट स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल। अगर वो 90 ना बनाए, किसी और एंगल पे चल पड़े, तो इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ हेलिकल पाथ, हेलिक्स बोलते हैं इसे। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन पता लगेगा। तो अगर वी वेक्टर और बी वेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना, 90 नहीं बना, अगर 90 बना फिर तो सर्कल ही सर्कल है, अगर 90 नहीं बना तो सर्कल तो है ही है, साथ में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी वो ट्रेवल करेगा, इस पाथ को हेलिक्स बोलते हैं। तो हेलिकल पाथ, और इसका मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों हुआ, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इन दो सर्कल में डिस्टेंस कितना है। जैसे हेलिक्स में एक पार्टिकल यहां से मूव करता है, घूमता है, फिर यहां पे वापस नहीं आता, थोड़ा सा आगे चला जाता है, तो एक चक्कर या दो सर्कल में डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कितना कवर हुआ यहां से यहां तक, इसको पिच बोलते हैं, वेव में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी नहीं बोलते, डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। तो पिच का फॉर्मूला भी आज हम कैलकुलेट करेंगे या नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे निकलती है। तो मतलब आपको आइडिया दे रहा हूं कि अगला चैप्टर इस तरीके से खुलेगा। तो ये रिजल्ट क्लियर है यहां तक, और प्रूफ करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ये तो आपकी सिर्फ शीट बनाई है शॉर्टकट के लिए कि इसका प्रूफ करेंगे, अपने आप ये रिवाइज हो जाएगा वापस में। फिर वैसे ही सेम क्वेश्चन है, अगर वेलोसिटी वेक्टर बी के साथ एंगल क्या बनाता है, कोई भी थीटा, तो हेलिक्स तो समझ में आ गया कि चलो ये रिजल्ट है, कैसे आया वो तो बताऊंगा, बट ये हेलिक्स होगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दे तो अब होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कल में और जस्ट सर्कल में मूव करवाता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे इस तरफ एक्सेलरेट करवाएगा, स्पीड बढ़ा देगा, तो हेलिक्स पहले शुरू में क्लोज क्लोज बनेंगे सर्कल, बाद में खुले बनने स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो ऐसा होगा। फिर हम स्टडी करेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, दोनों फील्ड प्रेजेंट है इसमें, ई बी और बी बी, अभी तक या तो ई चल रहा था या बी चल रहा था, इसमें दोनों प्रेजेंट है, तो अगर दोनों प्रेजेंट है और एक चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन से रिलीज कर दूंगा, छोड़ दूंगा रेस्ट से, फोर्स देने की जरूरत ही नहीं, ऐसी रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपनी तरफ खींच लेगी और मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन, तो होगा क्या कि ये चार्ज पार्टिकल ऊपर मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज करेगी, तो हम देखेंगे इसका पाथ इस तरीके से मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, पहले चार्ज पार्टिकल इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इस पाथ को क्या बोलते हैं, साइक्लॉइड। इसका प्रूफ ऑप्शनल है, मैं प्रिंट आउट दूंगा,
कोई शौकीन होगा वो कर लेगा, अदरवाइज रिकमेंडेड नहीं है, ओनली एक्सक्लूसिव फॉर आईआईटी है। देख 2.5 पेज का प्रूफ है इसका, साइक्लॉइड का जबरदस्त डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज होती है इसमें, मोशंस है ना इंस्टेंट में चेंज हो रही है चीज, पूरा कैलकुलस के साथ इसकी स्लोप बनेगी। तो ये टफ पार्ट माना जाता है इसका साइक्लॉइड, पर फिर भी जिसको शौक है वो कर ले, नहीं है तो ऑब्जेक्टिव मेंस और नीट में तो नहीं आता कम से कम, बस उनको यही पता होना चाहिए साइक्लॉइड होता है, अदरवाइज जरूरत नहीं है, बाकी केस नॉर्मल है, बाकी सब स्टैंडर्ड है। और लास्ट ये तो बहुत आता है मेंस नीट और एनसीईआरटी में कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फिर प्रेजेंट है और इस बार परपेंडिकुलर, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है ई वेक्टर प्लस से माइनस, और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, चार्ज पार्टिकल एंटर करता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी। अब ये पॉजिटिव चार्ज ये चाहेगा कि नेगेटिव प्लेट को हिट करे, तो पॉजिटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी, डायरेक्शन देखें बी कैसी है बोर्ड के अंदर, थंब कहां पर है, ये सेंट्रल फिंगर, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फोर्स कहां लगेगी ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स चाहेगी कि ये ऊपर जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहेगी ये नीचे जाए। अब डिपेंड करेगा कौन सी फोर्स बड़ी है, हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स बड़ी हो तो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ी हो इसे नीचे ले आएगा, हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स बड़ी हो ऊपर ले जाएगा, तो और हो सकता है दोनों बराबर हो कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर ऐड कर रही हैं ऊपर और नीचे, अगर बराबर ऐड करेंगी तो फिर स्ट्रेट जाता जाएगा, और अगर स्ट्रेट जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE, मैग्नेटिक इज BQB sin 90, तो इतनी वेलोसिटी से स्ट्रेट जाएगा, और एनसीईआरटी में मेंस नीट में स्ट्रेट ही जाएगा, वो वेलोसिटी पूछेगा और ये वेलोसिटी आएगी E डिवाइडेड बाय P। तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल हम करेंगे, तो इस तरीके से हम कुछ केसेस को आगे अब चैप्टर को ओपन करेंगे। इसके अलावा और भी केस है, अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये सिर्फ कॉम्पिटिशन के रहेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड का एरिया कम है और मैं ये लिखने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट शीट बन के आएगी, बनी हुई है उसके साथ आएगा, मैंने जान के क्लब नहीं किया क्योंकि थोड़ा अलग सा केस है। तो चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया बहुत तेजी से, एंटर तो कर गया, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आया इसे सर्कल में ट्रेवल करना शुरू कर दिया, कर ही रहा था मैग्नेटिक फील्ड ही खत्म हो गया, टेंजेंशियली बाहर आ जाएगा, बाहर तो आएगा ही, फील्ड ही खत्म हो गया बाहर निकल आया, तो बोलो कितने एंगल से बाहर आएगा, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक, तो इस टाइप से हम मतलब कि इसकी ट्रेजेक्ट्री को कैसे भी चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, मन में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि करेंगे क्यों यार, इतनी फिजिक्स कर क्यों रहे, कर चार्ज किसी ने देखा नहीं, क्या करेंगे इतनी डायरेक्शन चेंज करके, आ रहा है? ठीक, अब आ रहा है, अब इसका आंसर सुनो। अभी तो टीवी की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, LCD LED, इससे पहले की टेक्नोलॉजी जो है कलर टीवी आते थे, नॉर्मल कलर टीवी, और बढ़िया लोग देखते थे जब छोटे थे तो यही चलता था, तो बाद में चेंज हुआ LED LCD का कॉन्सेप्ट। वो टीवी की टेक्नोलॉजी देखो क्या जबरदस्त बनाई, टीवी कलर टीवी कैसे बने और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कैसे बने, टीवी बनाने के लिए बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी यूज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है टीवी बनने का। अब ये टीवी, ये मतलब टीवी और चार्ज, ये कैसे, देखो मैं बताता हूँ कैसे, किसी ने देखो लोगों का दिमाग देखो कितने, उन्होंने क्या कहा, फास्फोरस की स्क्रीन लगाओ आगे, टीवी की जो स्क्रीन है उसके आगे फास्फोरस की एक पूरी वो लगाई जाती है, ठीक, क्लियर, अंदर इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ती है कुछ इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है, आसपास मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब मान लो आपने फास्फोरस की स्क्रीन के ऊपर कुछ कोई फोटो देखनी है या कोई भी कोई मूवी देखनी है, कुछ भी देखना है, तो बहुत बड़ी बात है, मान लो ए प्रिंट करके देखना है आपने, बस ए ही प्रिंट हो जाए, हम तो इतना ही देख लेते हैं। अब ए आपको कब दिखेगा, ए तब दिखेगा जब यहां पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, फास्फोरस के एटम में एंटर करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी जो गेन कर गया, जो हिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेके एक्साइट होगा, एक्साइट होकर नीचे गिरेगा तो लाइट एमिट करेगा, टीवी की ब्राइटनेस आ जाएगी। कितनी जोर की हिट करेगा वो आपकी गन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी वोल्टेज देते हो, कितनी जोर की हिट करेगा उससे कलर चेंज हो जाते हैं, कई बार आपको रेड कलर देखना है, ग्रीन देखना है, जो भी देखना है वो हिटिंग पे डिपेंड करता है, वो कितनी जोर की हिट करेगा। अब होता क्या है, टीवी की स्क्रीन इलेक्ट्रॉन बीम इतनी जोर की हिट करती है कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जहां जहां मतलब एक राउंड पूरा कर देती है, एक सेकेंड में
पता नहीं कितनी बार इस तरीके से इसको हॉरिजॉन्टल स्कैन करके फायरिंग कर देती है इलेक्ट्रॉन की, और उतनी वेलोसिटी से जो आप देखना चाहते हो, और यहां यहां हिट करेगी अगर फास्फोरस की, और बार बार करेगी, एक बार हिट करके इलेक्ट्रॉन नीचे गिर गया, फास्फोरस लाइट खत्म हो गई, उसी जगह पे बार बार हिट करती जाएगी, देखने वाले को लगेगा ये अभी भी प्रिंटेड है। ये इतनी तेज चलता है प्रोसेस कि आपको पूरी वीडियो भी आराम से आप देखती आए हो, पूरी मूवी देखते हो क्या प्रॉब्लम है, तो वो फायरिंग हो रही होती है पूरी, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की फायरिंग इतनी तेज हो रही होती है, और विद इंटेंसिटी कि आपको वही कलर दिखे जो एक्चुअल उसके कलर्स हैं। ये इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं साइंस से, तो यहाँ पे काम आएंगी ये टेक्नोलॉजीज, और पता नहीं ऐसी कितनी मशीन्स होंगी जो इस तरीके से काम करती हैं, है कि नहीं जबरदस्त चीज। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, अभी नहीं करना, अभी यहीं तक करना है बस, आगे। अब एक काम करते हैं, चैप्टर ये तो वो दिए शॉर्टकट्स हैं, अब डिटेल तो करनी पड़ेगी, तो अब एक काम करो, इसके लिए बुकलेट पे आओ, पेज नंबर 93 बुकलेट का